हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम प्री बीएसटीसी 2013 के प्रीवियस एग्जाम पेपर में जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में पुलिस विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है जोधपुर ज़िले में, ठीक है। तो कौन सा विश्वविद्यालय? पुलिस विश्वविद्यालय। अगला सवाल है कि वृद्ध राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है, यह मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। हीरालाल शास्त्री थे जो वृद्ध राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है कि गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन अलवर में कब व किसके नेतृत्व में शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है, यह शुरू किया गया था 9 अगस्त 1946 को, और किसके नेतृत्व में? शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि बीकानेर में जूनागढ़ के पास स्थित चोतीना कुआ को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है अनूप सागर के नाम से, ठीक है। कौन सा कुआ? चोतीना कुआ, जो किसके पास है? जूनागढ़ के पास है और बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। तो आपको याद रखना है, वह जिला है जालौर जिला, ठीक है। जालौर जिला है जो सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल पैदा करता है, कौन? जालौर। अगला सवाल है कि जल दुर्ग गागरौन स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, ठीक है। कौन सा दुर्ग है? तो गागरौन दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। अगला सवाल है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। तो आपको याद रखना है, वह इतिहासकार था कर्नल जेम्स टोड, ठीक। कर्नल जेम्स टोड वह इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला सवाल है कि पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है, और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है जनाना महिला घाट, ठीक है। जनाना या महिला घाट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे आर्द्र महीना अगस्त, न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल है। बताइए राजस्थान में मछली निषेध काल कब होता है। तो राजस्थान में मछली निषेध काल होता है 16 जून से 31 अगस्त तक, ठीक है। 16 जून से 31 अगस्त तक कौन सा काल होता है? मछली निषेध काल होता है। अगला सवाल है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। तो आपको याद रखना है, यह बढ़ता है गलियाकोट में, ठीक है। अगला सवाल है कि कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। तो आपको याद रखना है, यह प्रचलित है शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला सवाल है कि मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है एक व दो दोनों में, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में भी है और मेड़ता में भी है। किसका मंदिर है? मीराबाई का मंदिर। अगला सवाल है कि संगीत सम्राट व माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के उपनाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? अलादिया खां, ठीक है। अलादिया खां है जो संगीत सम्राट व माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, इसका वर्तमान नाम है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, किसका नाम? कोटा खुला विश्वविद्यालय का नाम। अगला सवाल है कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया। तो आपको याद रखना है, यह राजस्थान में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। कौन से, किसके अधिकार का अधिनियम? शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। अगला सवाल है कि राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है उदयपुर ज़िले में, ठीक है। तो कौन सा एयरपोर्ट है? डबोक एयरपोर्ट। अगला सवाल है कि सनसेट के दृश्य निहारने के लिए पर्यटक को राजस्थान के किस नगर में जाना चाहिए। तो यह जाना चाहिए माउंट आबू में, ठीक है। सनसेट के दृश्य निहारने के लिए पर्यटक को राजस्थान के किस नगर में जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में है। अगला सवाल है कि राजस्थान में हस्ताक्षर
वाला एकमात्र अभिलेख किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह माना जाता है बेणेश्वर अभिलेख को। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। अगला सवाल है कि जयपुर के किस शासक ने सद्भावना यात्रा आयोजित की? तो आपको याद रखना है, यह की थी स्वाई जयसिंह ने। अगला सवाल है कि राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसमें सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? तो आपको याद रखना है, वह रियासत है बीकानेर। अगला सवाल है कि राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो आपको याद रखना है, यह विकसित किया गया था सीतापुर, जो कहाँ पर है? जयपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को किस वर्ष राजस्थान का नाम दिया गया? तो आपको याद रखना है, यह दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दिया गया। अगला सवाल है कि गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, यह पाए जाते हैं आबू रोड, जो कहाँ पर है? सिरोही में। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। अगला सवाल है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है जोधपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि राज्य में भूमि एवं भवन कर कब समाप्त किया गया? तो आपको याद रखना है, यह समाप्त किया गया था, इसका तो एग्जैक्ट उत्तर आप मेरे को पता नहीं है, इसलिए आप यह उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो राज्य में भूमि एवं भवन कर कब समाप्त किया गया, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है, यह संख्या है 19। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 19, जो राजस्थान से गुजरते हैं। अगला सवाल है कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है 26 जुलाई 1952 को। ठीक है, कौन सा दिवस? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है जोड़ बीज, जो कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आपको याद रखना है, यह देता है जिला प्रमुख को। ठीक है, अगला सवाल है कि माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है उदयपुर में। ठीक है, कौन सा संस्थान? माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान की जनसंख्या है 6.86 करोड़ है। ठीक है, लगभग 6.86 करोड़ है, इसमें 85 लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कि 6.86 करोड़ के जो भी करीब आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो कितनी जनसंख्या है? 6.85 करोड़ या 6.86 करोड़, जो भी आंसर हो, ठीक है, जो राजस्थान की जनसंख्या है। अगला सवाल है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? तो आपको याद रखना है, उसका नाम है बूंदी शैली। ठीक है, अगला सवाल है कि घूमर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह किया जाता है गणगौर त्यौहार पर। ठीक है, गणगौर त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको याद रखना है, घूमर नृत्य किया जाता है। अगला सवाल है कि गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो आपको याद रखना है, यह दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था क्या? गरीबी हटाओ। अगला सवाल है कि बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया? तो आपको याद रखना है, यह किया गया था आईसीआईसीआई बैंक में किया गया था। अगला सवाल है कि आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय है? तो लोकाई का आशय क्या है? मृत्यु भोज। अगला सवाल है कि किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। अगला सवाल है कि पीवणा प्रजाति है? तो आपको याद रखना है, पीवणा प्रजाति है सांप की। अगला सवाल है कि किस अभिलेख ने महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला? तो आपको याद रखना है, यह डाला था कुंभलगढ़ शिलालेख ने। ठीक है, कुंभलगढ़ शिलालेख ने महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला था।
अगला सवाल है कि धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना है, यह रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने गीत लिखा था क्या, धरती धोरारी, यह रचना की थी। अगला सवाल है कि कूच मादी आखर ग्रंथ के लेखक है? तो आपको याद रखना है, यह लेखक है रामेश्वर दयाल श्रीमाली, जो कूच मादी आखर ग्रंथ के लेखक है। अगला सवाल है कि चीनी यात्री अवेनसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया? तो आपको याद रखना है, भीनमाल को नाम दिया पोलो मिलो। अगला सवाल है कि 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों द्वारा किस झील का पुनरुद्वार करवाया गया? तो आपको याद रखना है, यह करवाया गया था पुष्कर झील का, ठीक है, और कब कराया गया, 1809 में, और किसके द्वारा, तो मराठा सरदारों के द्वारा। अगला सवाल है कि राजस्थान का लोकवाद्य है? तो आपको याद रखना है, लोकवाद्य है उपयुक्त सभी, मोरचंग नगाड़ा नौबत, ये तीनों ही हैं जो राजस्थान का लोकवाद्य है। अगला सवाल है कि कवि चंद्रवरदाई की रचना का नाम है? तो आपको याद रखना है, रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल है कि एक खेल जिसमें दो दल होते हैं, एक दल के खिलाड़ी किसी पेड़ का सहारा लेकर घोड़ी बनते हैं तथा दूसरे दल के खिलाड़ी उन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, और इस खेल का नाम है, तो क्या नाम है, उत्तर भीखा मारी बारी, उत्तर भीखा मारी बारी इस खेल का नाम है। अगला सवाल है कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद हैं? तो आपको याद रखना है, यह कहा गया रणथंभौर किले के लिए। अगला सवाल है कि 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है बूंदी जिले में, ठीक है, बूंदी जिले में कौन सी छतरी स्थित है, तो 84 खंभों की छतरी स्थित है कहां पर, बूंदी जिले में। अगला सवाल है कि 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया? तो आपको याद रखना है, यह पाठ करवाया पुष्कर झील के पास, ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।